तो देखिए हम सबसे पहले एक वॉल बनाएंगे, तो हमने एक डिव क्लास बनाई है, और ये डिव क्लास किसके बाहर बनाई है हमने, देखिए नेविगेशन बार, जो हमने नेविगेशन बार बनाया था इससे पहले वाले ट्यूटोरियल्स में, तो उसके बाद हमने एक डिव क्लास बनाई है इस तरीके से। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ वॉल्स बनाएंगे। तो सबसे पहले एक हेडर बना लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि हम क्या बना रहे हैं। हम लिखते हैं वॉल्स इस तरह के, वॉल्स एंड अलर्ट बॉक्स इस तरह से। अब देखिए एक वॉल बनाते हैं सिंपल सी, उसमें देखिए उसके लिए हम लिखेंगे इस तरीके से DIF, उसे क्लास का नेम हमें देना पड़ेगा वॉल इस तरीके से, और इस वॉल के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो आपका एक बाउंड्री के अंदर आपका क्या है वो बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं बेसिक वॉल इज हेयर इस तरीके से। ये रिफ्रेश करेंगे अपने पेज को, तो देखिए इस तरीके से हमारा एक हेडर बन के आ गया, और इस तरह से हमारी एक बेसिक वॉल बन के आ गई। और देखिए इसमें पैडिंग बहुत ज़्यादा, और कि इसमें लेंथ बहुत ज़्यादा है, इसमें यहाँ पर देखिए गैप बहुत ज़्यादा है इन सब चीज़ में, तो इसको छोटा करने के लिए हम देखिए इसका साइज स्मॉल करेंगे। इसी कोड को कॉपी करते हैं, इसी में चेंज करेंगे, फिर से पेस्ट करते हैं यहाँ पर, और वॉल के बाद आपको क्या लिखना है, फिर से वॉल माइनस SM, SM होता है आपका स्मॉल के लिए। और मैंने आपको चार क्लासेस बताई थी, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा स्मॉल करके, वो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए इस तरह से देखिए पैडिंग स्मॉल हो गई आपकी। अब देखिए अलर्ट बॉक्स बनाते हैं, अलग अलग टाइप के अलर्ट बॉक्स बना सकते हैं आप। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डिव इस तरह से, फिर लिखेंगे क्लास, और फिर इजिकल टू में यहाँ पर जिस जहाँ पर हम वॉल लिख रहे थे वहाँ पर हम लिखेंगे अब अलर्ट, और फिर लिखेंगे देखिए अलर्ट, अलग अलग टाइप के होते हैं अलर्ट, सक्सेस, डेंजर, इन्फो, इस तीन तीन या चार टाइप के होते हैं। मैंने आपको इससे पहले ट्यूटोरियल में दो तीन बनाए थे। तो देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं सक्सेस वाला, सक्सेस वाला इस तरह से बनाएंगे, और इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन यू विन द गेम इस तरीके से। रिफ्रेश करते हैं इसे, तो देखिए ये आपका ग्रीन कलर में सक्सेस बन के आ गया। अगर आप इसे चेंज करके डेंजर करेंगे तो ये रेड कलर में आपका बन के आ जाएगा। इसे कॉपी करते हैं, इसी कोड को यूज़ करेंगे दोबारा, यहाँ पेस्ट करते हैं इसे इस तरीके से, और यहाँ क्लास अलर्ट के बाद यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इन्फो, इन्फो का बना सकते हैं आप, या फिर आप बना सकते हैं डेंजर का इस तरीके से। तो देखिए रिफ्रेश करते हैं अपना डाटा, देखिए ये आपका देखिए स्लाइटली लाइट पिंक कलर में आपका ये दिखा रहा है इस तरीके से। अब देखिए आप अगर चाहते हैं कि अलर्ट बॉक्स आपका दिखाई दे, शो हो, उसके बाद आप उसको क्लोज़ करना है, तो उसके लिए भी एक आप बटन बना सकते हैं। तो देखिए क्लोज़ करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पर लिखते हैं डिव, और फिर लिखते हैं क्लास, फिर लिखते हैं इजिकल टू अलर्ट, फिर लिखते हैं अलर्ट, और इसे हम देते हैं इन्फो इस तरीके से, अलर्ट इन्फो। और फिर देखिए हम लोग क्या करेंगे, फिर हम इस के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लिंक बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो कैंसिलेशन बॉक्स था वो भी एक तरह का लिंक ही होता है, तो उसके लिंक बनाएंगे। ए रिफ इस तरह से लिखेंगे इजिकल टू, कोई लिंक नहीं देंगे उससे कहीं, क्योंकि उसमें क्लिक करके हमें कुछ करना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, तो यहाँ पर डेड एंड डेंड लिंक नहीं देंगे। फिर लिखेंगे क्लास इजिकल टू, यहाँ पर क्लास बताएंगे कि उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, क्लोज होगा, क्लोज वाली क्लास यूज़ करेंगे, और डाटा माइनस डिसमिस इजिकल टू अलर्ट, इससे क्या होगा आपका डाटा डिसमिस हो जाएगा, हट जाएगा डाटा। और फिर हम लोग क्या देंगे, ARIA माइनस लेबल, और इसमें लेबल किस तरह का होगा, क्लोज का लेबल होगा, जैसा क्लोज में लेबल होता है, क्लोज लिखेंगे यहाँ पर। और फिर हम लोग बताएंगे किस टाइप का बटन होगा, जैसे मिनिमाइज के लिए अलग बटन होता है, और आपका मैक्सिमाइज के लिए, या फिर कहते हैं स्क्वायर बटन होता है, और क्लोज के लिए एक क्रॉस होता है, तो एक तरह का मल्टीप्लाई होता है, मतलब आप कहते नहीं है मल्टीप्लाई 2 times 3, तो देखिए उसमें टाइम्स का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे टाइम्स एट द रेट टाइम्स इस तरीके से, और यहाँ पर लगाएंगे सेमाई कोलन, और उसके बाद यहाँ पर आप ए के बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि दिस इज योर वेबसाइट इस तरीके से, आप यहाँ पर अपने मैसेज प्रिंट करा दिया। अब देखिए रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए इस तरह से हमारे एक बन के आ गया दिस इज़ वेबसाइट, और ब्लू कलर में आ रहा है क्योंकि हमने इन्फो का यूज़ किया है। अगर आप डेंजर यूज़ करेंगे तो पिंक कलर में आएगा, और सक्सेस यूज़ करेंगे तो ग्रीन कलर में आएगा, और देखिए क्रॉस बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका हट गया। अब आप चाहते हैं कि अलग तरीके से हटे, थोड़ा फेड होके हटे,
तो देखिए उसके लिए भी हमारे पास कोड है, तो इसी कोड को यूज़ करेंगे। कॉपी करते हैं थोड़ा सा, कॉपी करेंगे इसी में, चेंज करेंगे थोड़ा सा। अलर्ट इन्फो के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर, यहाँ पर लिखना है फेड माइनस इन, इस तरीके से बाकी सारा सेंटेंस सेम रहेगा। और देखिए सिंटेक्स थोड़ा चेंज करते हैं, दिस इज दिस वेबसाइट करते हैं सिर्फ, ताकि आपको पता चल जाए दोनों अलग अलग हैं। रिफ्रेश करेंगे तो देखिए दो हमारे बन के आ गए, दिस इज वेबसाइट, दिस वेबसाइट, इस तरीके से। देखिए इसको कैंसिल कर रहे हैं तो आपका ये क्लोज़ हो गया। अब दिस वेबसाइट को क्लोज़ करेंगे तो देखिए ये थोड़ा देर में हल्के से फेड होकर क्लोज़ हो गया। ये आपको यूट्यूब में अगर आप देखेंगे तो उसमें समझ में नहीं आएगा, आपको अंतर समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आज आप खुद से बना के खुद से करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले एक बटन बनाते हैं सिंपल सा, यहाँ पर लिखेंगे BUTTON बटन, और फिर लिखेंगे इसका टाइप, बटन का टाइप बताना होगा, तो इसके अंदर हम लिखेंगे बटन टाइप का होगा। और इसकी क्लास क्या होगी, क्लास हम अभी सिंपल रख रहे हैं, तो सिंपल टाइप का एक क्लास होती है हमारी BTN इज इक्वल टू डबल कोटेशन में लिखेंगे BTN, और फिर हम इसे नेम देते हैं, या फिर कह लीजिए कि इस बटन में जो आप प्रिंट करवाना चाहते हैं हम देते हैं बेसिक बटन, इस तरीके से। अब देखिए इसे रिफ्रेश करते हैं, अपने कोड को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए बेसिक बटन हमारा सिंपल सा ही का बेसिक बटन आपका बन के आ गया। अब देखिए इसके और टाइप के बटन भी हम देखते हैं किस तरीके से हम बना सकते हैं। इसी को कॉपी करेंगे, तीन चार बार इसे कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करेंगे, चेंजेस करेंगे हर किसी में अलग 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 टाइप के बटन सारे बनाता हूँ मैं आपको। तो देखिए क्लास हमारी बटन थी, अब क्लासेस में चेंज होगा, सिर्फ हमें क्लासेस में चेंज करना है, बाकी आप नेम में भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर से BTN डिफ़ॉल्ट बटन के लिए, यहाँ पर लिखते हैं डिफ़ॉल्ट इस तरीके से, और यहाँ पर लिखते हैं डिफ़ॉल्ट बटन, डिफॉल्ट बटन। अब देखिए दूसरे टाइप का बटन जो होगा हमारा वो किस टाइप का होगा, ये हमारा प्राइमरी होगा, BTN माइनस प्राइमरी बटन इस तरीके से लिखते हैं, स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखिएगा वरना आपका चलेगा नहीं कोड। और यहाँ पर लिखते हैं प्राइमरी इस तरीके से, और एक और फिर लिखेंगे BTN दोबारा से माइनस, और यहाँ पर हम बताएंगे सक्सेस, मैंने जो आपको आगे पहले वाले ट्यूटोरियल में बनाया था सक्सेस इन्फो डेंजर वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं BTN माइनस इन्फो एंड BTN माइनस, आप यूज़ कर सकते हैं लिंक, लिंक भी यूज़ कर सकते हैं हम इस तरह से, देखते हैं अलग अलग। और इसे यहाँ से इसे हटाते हैं यहाँ से, यहाँ पर लिखेंगे सक्सेस, यहाँ लिखते हैं इन्फो, और यहाँ पर लिखते हैं लिंक। अब देखिए अलग अलग आउटपुट हमें मिलेंगे अलग अलग बटन्स के, देखिए अलग अलग, देखिए कलर कलर में चेंजेस है। लिंक बटन में कोई भी आउटपुट आपका लेआउट नहीं है, सिर्फ आपका दिंग देखिए लिंक है। अगर आप यहाँ ले जाते हैं ये देखिए इसके नीचे एक अंडरलाइन इस तरह से आउटपुट बन के आ जा रहा है। इसमें देखिए ब्लू कलर का ऑटोमेटिकली आपका कलर बन के आ जा रहा है। ये हमारा सक्सेस बटन है, ये हमारा प्राइमरी बटन है, और ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट बटन है, और ये बेसिक बटन हो गया हमारा सिंपल बटन देखिए। और अगर आप देखेंगे बेसिक बटन में, देखिए आप अगर आप ले जा रहे हैं तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे, लेकिन देखिए डिफ़ॉल्ट बटन में जैसे मैं ले जा रहा हूँ तो ये देखिए कलर में चेंजेस आ रहा है। आप इसके बैकग्राउंड में डिफ़ॉल्ट बटन के जो बैकग्राउंड है उसमें कलर में चेंजेस आ रहा है। उसी तरह से प्राइमरी में भी डार्क हो जा रहा है आपका कलर, लाइट ग्रीन से देखिए डार्क ग्रीन हो जा रहा है। इस इन्फो में भी देखिए ऐसी हो रहा है, और लिंक बटन में तो हमारे कोई बाउंड्री नहीं है। तो इस तरीके से आप अलग अलग टाइप के बटन्स को यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये हमारे बटन बनाए थे जिसमें कुछ गैप्स इस तरीके से आपको मिल रहे थे अलग अलग जगह पे। अब देखिए बटन ग्रुप्स के बारे में बताएंगे, और इस ट्यूटोरियल में आपको ये बताऊंगा कैसे आप वर्टिकल बटन बना सकते हैं, और कैसे आप बटन में अपना ड्रॉप डाउन बॉक्स बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाया था उसी तरह से बटन में कैसे बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम चल जाएंगे अपने कोड में, इसी कोड में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे हमें। सबसे पहले इसे डिव के अंदर लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे डिव, और यहाँ पर लिखते हैं क्लास इस तरीके से, और इज़ीकल टू डबल कोटेशन में लिखेंगे आप BTN बटन के लिए, और माइनस फिर लिखेंगे ग्रुप जो आपके लिए ग्रुप बताएगा। अब देखिए इसे यहाँ पर क्लोज़ करते हैं, और यहाँ से इसे कट, पूरा ही कट हो गया, देखिए कंट्रोल जी करते हैं, हाँ इसे यहाँ से लेंगे, यहाँ से इसे कट करते हैं डिफ को, और यहाँ पर इसे पेस्ट
पेश कर देते हैं। डिफ के अंदर हमने ये बटन बना लिया और बटन ग्रुप दे दिया। अब देखिए इसे रिफ्रेश करूँगा अगर मैं, तो आउटपुट में चेंज देखिएगा। आउटपुट में जिस तरह ये देखिए सारे एक साथ आपके मर्ज हो चुके हैं। और देखिए इससे पहले राउंडेड मार थे, अब देखिए सब के सब इस तरह से रेक्टेंगुलर में आ रहे हैं, इस तरह से ज्वाइन आ रहे हैं। अब देखिए इन्हीं को आप किस तरह से लार्ज बना सकते हैं, आपको अगर लार्ज बनाना है, इन्हें बड़ा बनाना है थोड़ा, तो यहाँ पर आपको क्लास के अंदर थोड़ा सा एक और कोड लिखना पड़ेगा, btn माइनस ग्रुप फिर से, और फिर लिखने का माइनस lg, ये होगा लार्ज के लिए। मैंने आपको बताया था चार क्लासेस होती हैं, उसके हिसाब से लार्ज स्मॉल कर सकते हैं आप इस तरह से। देखिए लार्ज स्मॉल स्मॉल भी कर सकते हैं, sm लिखना पड़ेगा, और आपको एक्स्ट्रा स्मॉल चाहिए तो xm लिखना पड़ेगा, अलग चार चार टाइप के होते हैं। अब देखिए इसे आप वर्टिकली कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इसे मिटाएंगे। देखिए बटन ग्रुप में माइनस करके लिखेंगे वर्टिकल, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, फिर लिखेंगे वर्टिकल इस तरीके से, तो ये आपका क्या है, सारे बटन आपके वर्टिकली प्रिंट हो जाएंगे। ये देखिए आउटपुट इस तरीके से, देखिए आपके इस तरीके से आपके ये प्रिंट हो गए। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसमें क्या बोलते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू की ज़रूरत कब पड़ सकती है, लेट अस सपोज कीजिए आपकी स्क्रीन उसने छोटी कर दी, अभी तो आपका इस तरह से आ रहा था हॉरिजेंटल में, उसने छोटी कर दी स्क्रीन, तो वो आपका क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग ड्रॉप डाउन बॉक्स आप ले सकते हैं। तो देखिए ड्रॉप डाउन बॉक्स के लिए फिर से जाएंगे अपने कोड में, इसे वर्टिकल से हटाएंगे, सिंपल रखेंगे बटन ग्रुप इस तरीके से। और देखिए बाकी बटन तो सही है, दो तीन बटन हम ऐसे ही रखेंगे, लेकिन हम पहले सबसे पहले करते हैं ये लास्ट बटन में, लिंक बटन के अंदर कुछ और बटन्स को, लिंक बटन हटाते हैं, दो बटन हटा देते हैं ताकि आपको सही लगे। सक्सेस बटन के अंदर और बटन्स को हम क्रिएट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें कुछ कोड को ऐड करना होगा। देखिए आप चाहते हैं अगर सक्सेस बटन के नीचे ड्रॉप डाउन बॉक्स आई, लेट सपोज कीजिए जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे फ्रेंड्स के यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन बॉक्स दिख रहा है, उसी तरह से हमारे सक्सेस बटन के यहाँ पर भी इसी तरह से ड्रॉप डाउन बॉक्स आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लासेस में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, हमें क्लासेस ऐड करनी पड़ेंगी कुछ। तो देखिए बटन बटन इज इक्वल टू सक्सेस, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर ड्रॉप डाउन, क्योंकि हम ड्रॉप डाउन बना रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ड्रॉप डाउन इस तरीके से, और लिखेंगे माइनस टॉगल GGLE टॉगल। इसे हम टॉगल लिखने के बाद देखिए आप क्या कर सकते हैं, फिर से इस तरह से लिखेंगे डाटा माइनस, यहाँ पर लिखेंगे टॉगल, और यहाँ पर आप देखेंगे ड्रॉप डाउन इस तरीके से हमने लिखा। देखिए और ड्रॉप डाउन की स्पेलिंग ड्रिप डाउन मत लिखिएगा मेरी तरह, ड्रॉप डाउन इस तरह से लिखिए ड्रॉप डाउन। अब देखिए इसमें क्या आएगा, आपका एक ड्रॉप डाउन बटन सा आ जाएगा। अब देखिए उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमने कर दिया, ये हमारा सक्सेस बटन आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, स्पैन को जोड़ना पड़ेगा। स्पैन स्पैन में क्या करेंगे हम लोग, एक जिससे कि आपको इस तरह से हमने यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा ड्रॉप डाउन नीचे को एरो बनाए, ये बनाएंगे, तो हम किस में बनाएंगे, स्पैन में। तो सक्सेस बटन के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से, देखिए इसे नेक्स्ट लाइन में यूज़ करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पर लेंगे span span, और फिर लिखेंगे क्लास, क्लास देंगे इसे कैरेट carET कैरेट इस तरीके से, इसको क्लोज करते हैं, स्पैन हमारा क्लोज हो गया। अब देखिए अब इस बटन के अंदर हमें क्या कहते हैं, आपको ऑर्डर लिस्ट देनी पड़ेगी, लिस्ट सी देनी पड़ेगी। तो वो लिस्ट देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए बटन के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कोड लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से UL, और फिर लिखेंगे क्लास इजिकल टू डबल कोटेशन में लिखेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन माइनस मेन्यू इस तरीके से, और फिर रोल लिखेंगे, रोल इजिकल टू मेन्यू इस तरीके से, इसे क्लोज करते हैं। यूएल को हमने क्लोज कर दिया, इस यूएल के अंदर हमें क्या देनी पड़ेगी, लिस्ट आइटम की लिस्ट देनी पड़ेगी। तो यहाँ लिखेंगे li, और फिर यहाँ पर लिंक भी दे सकते हैं उससे आप ए हिरिफ, अभी हम कुछ नहीं लिंक, हम डेड लिंक देना चाहते हैं, हम उस पर क्लिक करके कहीं नहीं जाना चाहते, अभी हमने पेजेस इतने बनाए नहीं है कि हम कहीं जाएं। तो देखिए इसलिए इससे डेड लिंक दिया है, और इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। सक्सेस बटन तो आप यहाँ पर नेम लिख लीजिए कुछ भी, जैसे मैं लिख रहा हूँ विजय, आप अपना नेम लिख लीजिए। अब देखिए एक और इस तरह से आइटम्स को ऐड करेंगे, तो इसे थोड़ा एडजस्ट करते हैं इस तरीके से, इसे ही कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिया हमने इसे, इसे पेस्ट करते हैं चार पाँच बार, जितनी बार भी आप पेस्ट करना चाहो उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए अब चेक करते हैं अपना आउटपुट, रिफ्रेश करेंगे,
तो देखिए इस तरह से आपका सक्सेस बटन बन के आ गया। और ये जो आपका बन के आ रहा है डाउन नीचे को एरो, ये आपका किसकी वजह से आया है, इस पेन कैरेट की वजह से आया है। और ये जो क्लिक करके इस तरह से खुल रहा है विजय 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 विजय, ये आपका किस वजह किस तरीके से आ रहा है, ये आपका आ रहा है आपके जो हमने कहते हैं यूएल को यूज़ किया था। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कुछ चेंजेस करते हैं, ये यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ये यहाँ पर आना चाहिए। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, तो देखिए फ्रेंड उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे क्या करेंगे जो हमारे पूरा नया बटन है इसको एक अलग डिव में बनाएंगे। देखिए ये तो हमारे सिंपल सिंपल बटन थे ये, लेकिन हमारा क्या कर रहा है ड्रॉप डाउन बटन दे रहा है, तो इसको अलग डिव में बनाएंगे। तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे डिव, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे डिव इस तरीके से, और यहाँ पर लिखेंगे डिव क्लास देनी पड़ेगी डिव की, तो यहाँ पर लिखेंगे डिव क्लास इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे बी टी एन माइनस ग्रुप इस तरीके से, और इस डिव को क्लोज कहाँ पर करेंगे, इसे कट करते हैं यहाँ से, कट किया और इसे यहाँ पर क्लोज कर देंगे हम। इसके बाद यू एल के बाद इसे यहाँ पर हमने इसे क्लोज कर दिया। अब देखिए अब हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आएगा। अब देखिए इसी के नीचे आ रहा है क्योंकि हमने क्या करा है इसको डिफ के अंदर अलग डिफ के अंदर यूज़ किया है, इसलिए यहाँ पर आपका इस तरह से आउटपुट आ रहा है। पहले क्या आ रहा था, यहाँ पर आपका आउटपुट आ रहा था क्योंकि हमने वो अलग डिफ में यूज़ नहीं किया था। तो देखिए बता देता हूँ हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले तो हमने देखिए बटन को ग्रुप में डिवाइड किया है जिससे वो सबके सब क्लोज आ जाएँ। और उसके बाद देखिए हमने क्या किया है, बटन एक डिफ क्लास बनाई है बटन ग्रुप से, उसके अंदर एक बटन बनाया है जिसमें हमने एक और क्लास ऐड किया है, वो है ड्रॉप डाउन वाली क्लास की है टॉगल करने के लिए। और देखिए उसके बाद हमने एक डाटा टारगेट दिया है ड्रॉप डाउन इस तरह से लिखा हुआ है, और स्पैन दिया है ताकि आपका वो इस तरह से लिंक बन के आ जाए ड्रॉप डाउन नीचे का लिंक, ये लिंक इस तरीके से, या आपका कैरेट स्पैन कैरेट की वजह से आ रहा है। और उसके बाद हमने एक लिस्ट दी है लिस्ट ऑफ आइटम्स जिसमें हमने कुछ नेम्स को प्रिंट करवाया है। देखिए आपने कहीं पर देखा होगा जब सर्च बार में आपको एक सर्च बार का लिंक दिखाई देता है, ईमेल में आपका एक एनवलप बन के दिखाई देता है, वो हम कैसे बना सकते हैं, जिस तरह से देखिए यहाँ पर थोड़े से रिफ्रेश करते हैं, जिस तरह से यहाँ पर कैरेट बन के आ रहा था इस पेन के अंदर कैरेट लिखा था, उसी तरह से हम ग्राफ आइकन्स को यूज़ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम जाएंगे अपने स्पैन पे जहाँ पर हमने स्पैन किया था, यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन बॉक्स में यहाँ पर स्पैन पे कैरेट लिखा हुआ था, वहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे जी एल वाई पी एच आई सी ओ एन क्लिफी आइकॉन, इसे कॉपी कर लीजिए क्योंकि इसे क्या कहते हैं बूस्टअप में बार बार एक कोड दोबारा बार लिखना पड़ता है, बहुत ही रिडंडेंसी होती है इसमें। तो यहाँ पर लिखेंगे गुफी आइकॉन, यहाँ पर लिखेंगे एनवलप ओ पी एनवलप इस तरीके से, स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखेगा, मैं स्कूल गया नहीं कभी तो इसलिए मुझे स्पेलिंग थोड़ी कमी आती है। यहाँ पर लिखेंगे एनवलप इस तरीके से, रिफ्रेश करेंगे देखिए अपने को इसे अपने कोड को, देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपका एक एनवलप जैसा क्रिएट हो गया। इस तरीके से आप और भी क्रिएट कर सकते हैं, देखिए मैं कुछ आपको बता देता हूँ, कुछ आप गूगल से सर्च मार लीजिएगा क्योंकि बूटस्ट्रैप है 260 आपके इस तरह से आइकन्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरा आइकन है देखिए सर्च के लिए जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सर्च आइकन लिखेंगे यहाँ पर सर्च, और देखिए आउटपुट चेक करते हैं, रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर देखिए इस तरह से सर्च का बटन आपका बन के आ गया। और इस तरह से आप प्रिंट का भी यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट का भी काफ़ी यूज़ होता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रिंट और आपका इस तरीके से आउटपुट में क्या आएगा प्रिंट का, इस तरह से आपका साइन बन के आ जाएगा। और देखिए और भी एसटीके दो तीन में बता देता हूँ आपको, और मैं आपको ये कहूँगा कि आप गूगल में देखिए सर्च कीजिए 260 हैं, अगर मैं सारे के सारे बताने बैठ गया तो आपके 2-3 घंटे तो यूँ ही निकल जाएंगे। तो देखिए इस तरह से सबसे पहले कुछ कॉमन से एस्ट्रिक यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे एस्ट्रिक इस तरीके से, लिखिए एस्ट्रिक, और जो भी साइन आपको यूज़ करना है उसका नेम एक बार डाल के देखिए, क्या पता उससे कोई आउटपुट आ जाए जैसे प्लस माइनस उसी से आ जाए, क्योंकि ज़्यादातर उसी से तरह से होते हैं। देखिए एस्ट्रिक का साइन बन के आ गया, और प्लस माइनस का लिखेंगे आप तो वो भी आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखिए प्लस इस तरीके से, तो आपका आउटपुट में क्या आ जाएगा यहाँ पर इस तरीके से एक प्लस आ जाएगा। और देखिए आपका होमवर्क क्या है, आपको क्या करना है आपके नेविगेशन बार में, यहाँ हमने ये आपको क्या करना है एक सर्च बार बनाना है यहाँ पर, और उसमें आपको सर्च बार का इस तरीके से एक बटन होना चाहिए सर्च बार के बाहर, और एक सर्च बार होना चाहिए। अगर आप नहीं बना पाते हैं तो कोई बात नहीं, इस ट्यूटोरियल इस कोर्स के एंड में मैं आपको पूरा बता के दिखाऊंगा कैसे उसे सर्च बार को बनाना है।
तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक डिव की क्लास बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे डिव और फिर लिखेंगे क्लास। क्लास कौन सी यूज़ करेंगे, प्रोग्रेस की यूज़ करेंगे, क्योंकि हम प्रोग्रेस बार यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोग्रेस इस तरीके से। अब देखिए इसके अंदर एक और डिव बनाएंगे, डिव क्लास इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे प्रोग्रेस माइनस बार, प्रोग्रेस बार क्रिएट करेंगे। और यहाँ पर फिर देखिए फिर लिखेंगे रोल इज इक्वल टू प्रोग्रेस बार इस तरीके से। और फिर से स्टाइलिंग करेंगे कि कितनी इसकी विड्थ होनी चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे स्टाइल और फिर लिखेंगे यहाँ पर विड्थ इस तरीके से, फिर कोलन लगा के इसकी विड्थ देंगे। तो मैं दे रहा हूँ 30%, 30%। और इसके बाद इसे क्लोज कर देंगे और इसके अंदर डिप में यहाँ पर हमारा कर्सर है वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कोई मैसेज प्रिंट कराएंगे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 30% इज डन इस तरीके से। तो देखते हैं अपना आउटपुट, रिफ्रेश करेंगे तो इस तरीके से देखिए हमारा एक आउटपुट जनरेट हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा और कलरिंग कर सकते हैं, जैसे हम सक्सेस सक्सेस और वार्निंग कोई डेंजर देना चाहते हैं तो उसके लिए भी यूज़ कैसे करेंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, बस जहाँ पर क्लासेस लिखी है वहाँ पर हमें एक और क्लासेस ऐड करनी है जिसका नेम है प्रोग्रेस माइनस बार माइनस, इसे यहाँ से हटाते हैं, दूसरे इसी को कॉपी करके थोड़ा अलग ताकि आपको पता चल जाए डिफरेंस दोनों में। तो यहाँ पर इसे ऐड करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं प्रोग्रेस माइनस बार माइनस सक्सेस, क्योंकि हम सक्सेस को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर सक्सेस आ जाएगा। अब देखिए इसका कलर क्या हो जाएगा, पूरा चेंज हो जाएगा। रिफ्रेश करते हैं इसे तो देखिए ग्रीन कलर में आ गया, सक्सेस का कलर ग्रीन में होता है। इस तरह से आप डेंजर वार्निंग और क्या कहते हैं और तरह के भी प्रिंट करवा सकते हैं, डेंजर वार्निंग इन्फो भी प्रिंट करवा सकते हैं आप। अब देखिए इसमें थोड़ी स्क्रिप्ट को ऐड करते हैं, तो फिर से इसी को कॉपी कर लेते हैं, स्क्रिप्ट ऐड करेंगे, तिरछी लाइनें ऐड करेंगे इसमें कुछ जो अट्रैक्टिव लगेंगे थोड़ी। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर से लिखेंगे प्रोग्रेस, फिर से एक और क्लास को ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे प्रोग्रेस माइनस बार माइनस इस तरीके से भी लिखेंगे strpd स्क्रिप्ट। तो इससे क्या होगा, आपकी तिरछी लाइनें अटैच हो जाएंगी इसमें, दिख रहा होगा ये कि तिरछी लाइनें इस तरीके से अटैच हो गई। थोड़ी विड्थ इसकी इंक्रीज कर लेते हैं, विड्थ कर देते हैं 70%, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए रिफ्रेश करते हैं इसे आउटपुट को अपने, तो देखिए 70, ये देखिए स्ट्रिप्ट इस तरह से लाइन हमारी बन के आ गई। अब देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको एक्टिव भी कर सकते हैं, स्ट्रिप्ट को चलती हुई स्ट्रिप्ट थोड़ी और एट्रैक्टिव लगेगी। तो स्ट्रिप्ट के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ एक्टिव, ये भी हमारी क्लास है एक्टिव, इसे ऐड करते हैं। तो आप देखेंगे रिफ्रेश करेंगे अगर, तो ये देखिए ये आपका चलता हुआ नज़ारा आ रहा है, चेंज हो रहा है आपका। देखिए इस तरीके से आप अलग अलग टाइप में इसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए अगर आपको एक साथ सारी की सारी क्रिएट करनी है, सारी की सारी बनानी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए भी हम एक कोड लिखेंगे सबसे पहले। तो देखिए हम अपने कोड में थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो सबसे पहले डिप क्लास प्रोग्रेस सही है, ये हमारा डिप ओवर ये भी बिल्कुल सही है, 30% डन हो रहा है इसका फ्री स्पेसिंग, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। तो देखिए अब हम क्या चाहते हैं कि सारे बार्स एक साथ हमारे चलते हैं आ जाए, तो देखिए सबसे पहले से एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए 30, 30, 90 हो गया और 30, 30, 60 एंड यहाँ पर इसे करते हैं 10%, तो यह हो गया 70 और 70 प्लस 30% करेंगे यहाँ पर चेंज करेंगे, थोड़ा इसे थोड़ा नीचे ले आते हैं ताकि इसको चेंज करने में आसानी हो। यहाँ पर इसे कर देते हैं 30, 30, 60 प्लस 70 एंड यहाँ पर 30, ये आपका टोटल 100% हो गया। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसमें चेंज करना है, तो ये डिव प्रोग्रेस इस तरह से हमने लिखा है, इस डिव को यहाँ से हम हटाएंगे, देखिए इस डिव को यहाँ से डिलीट करते हैं, कट करते हैं और बाकी सबके जो हमारे प्रोग्रेस है इनका हटाते हैं, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, इनको सबको एक साथ प्रिंट करवा रहे हैं तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसे भी हटाते हैं और इसे भी डिलीट करेंगे, इसे भी डिलीट करते हैं और इसे भी डिलीट करते हैं। तो देखिए आउटपुट चेक करते हैं अब, तो इस तरह से देखिए आपका ये सब के सब 30 इज डन 30 इज डन 30 इज डन और ये थोड़ा चलता हुआ आपका आ रहा है 30 इज डन। तो देखिए कैसे किया हमने, सबसे पहले इस जितने भी हमने डिप क्लासेस बनाई है, प्रोग्रेस बार और सक्सेस की, फिर स्ट्रिप्ट की, फिर स्ट्रिप्ट एक्टिव की, इन सबको एक डिप के अंदर हमने यूज़ किया है। तो इससे क्या हुआ, आपके सब की सारी आपके प्रोग्रेस बार एक साथ यूज़ हो गए।
देखिए पैगिनेशन ऑफ ब्रेड क्रम्स क्यों यूज़ करते हैं। लेट अस सपोज कीजिए आपके पास बहुत सारे पेजेस हैं और आप स्टार्टिंग में देना चाहते हैं कि ये हमारे पास पेजेस हैं इसमें आप जा सकते हैं, तो उसके लिए पैगिनेशन का यूज़ भी कर सकते हैं और ब्रेड क्रम्स का। मैं दोनों चीज़ें आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिप बनाएंगे सिंपल सा। इस डिप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक चलते हैं आपको लिस्ट बनाएंगे, अनऑर्डर लिस्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे यूएल और इसे देंगे क्लास, कौन सी देंगे पैगिनेशन। इस तरीके से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ तो देखिए इसका आउटपुट दिखने के बाद आपको जरूर समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो देखिए और इसे क्या आउटपुट आएगा, और फिर यहाँ पर लिखेंगे एल आई, अपने आइटम लिस्ट को ऐड करेंगे, एल आई लिखेंगे इस तरीके से। और फिर आप लिंक भी दे सकते हैं हर एक पैगिनेशन में, हर एक लिंक में देखिए चेक करते हैं एच एरा एच आर एफ, और इसे हम डेडिंग देंगे, एक कोई सा भी डेडिंग दे दिया हमने इसे। अब देखिए इसके अंदर हम लिखते हैं यहाँ से वन, हमने लिखा वन, इसे कॉपी करते हैं। तो देखिए बड़ा ही काम का है ये पैगिनेशन, काफ़ी जगह यूज़ होता है, आपने देखा होगा। टू यहाँ पर इसे करते हैं थ्री, इसे करते हैं यहाँ पर फोर, इस तरीके से हमने किया। अब देखिए हमारा आउटपुट यहाँ पर आपको मिलेगा, ये देखिए इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। ये देखिए आप चाहे तो यहाँ पर कुछ और भी लिख सकते हैं, वन टू थ्री फोर की जगह पर, ये आप क्या करेगा अपने पर्टिकुलर जगह पे आप इसे ले जा सकते हैं पैगिनेशन को। और किसी भी चीज़ को एक्टिव करने के लिए, मतलब अगर आप बताना चाहते हैं कि आप कौन सी क्लास में या फिर कौन से पेज में हैं, तो वहाँ पर उस पेज के नंबर को आप हाईलाइट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, हम एक्टिव क्लास का यूज़ करेंगे। एल आई के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे क्लास इजिकल टू, यहाँ पर लिखेंगे एक्टिव। एक्टिव क्या करेगा आपको क्या कहते हैं बता देगा कि ये क्लास में आप प्रेजेंट हैं अभी इस टाइम पे। जो भी क्लास में आप एक्टिव लिखेंगे तो एक्टिव हो जाएगा। देखिए रिफ्रेश करता हूँ मैं इसे इस तरह से, तो यहाँ पर देखेंगे ये देखिए ये कलर आपका क्या ब्लू कलर में इस तरीके से। और आप देखिए, और अब हम पढ़ते हैं कि पैगिनेशन को कैसे लार्ज और स्मॉल कर सकते हैं। तो फिर से वही पैगिनेशन, एक और क्लास ऐड करनी पड़ेगी, फिर से लिखना पड़ेगा पैगिनेशन, और यहाँ पर फिर आप लिख सकते हैं माइनस एल जी, एल जी लिखेंगे तो क्या आपका लार्ज हो जाएगा। तो देखिए लार्ज हो गया, और स्मॉल करना है तो आप यहाँ लिखेंगे एस एम, एस एम लिखेंगे तो आपका स्मॉल हो जाएगा आउटपुट। रिफ्रेश करेंगे, स्मॉल हो गया हमारा आउटपुट। अब देखिए अब हम पढ़ते हैं ब्रेड क्रम्स के बारे में। देखिए ब्रेड क्रम्स, देखिए ये भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी जगह यूज़ होता है ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ क्लास की जगह देखिए इसी को कॉपी करते हैं, कॉपी कर लेंगे, बस क्लासेस चेंज करनी पड़ेंगी हमें। तो पैगिनेशन की जगह हम यूज़ करेंगे ब्रेड क्रम्स का, तो यहाँ पर इसे डिलीट करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं बी आर ई ए डी सी आर यू एम बी, बैड क्रम इस तरह से। और थोड़ा आउटपुट थोड़ा चेंज करते हैं ताकि एक जैसा ना लगे, और यहाँ पर हम लोग इसे करते हैं सबसे पहले तो एक्टिव वाली क्लास हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, तो सिंपल रखते हैं थोड़ा। यहाँ पर लिखते हैं इस तरीके से होम, और यहाँ पर लिखते हैं इस तरह से मूवी, और यहाँ पर लिखते हैं सॉन्ग्स, और यहाँ पर लिखते हैं अबाउट इस तरीके से। और किसी को भी आप एक्टिव करना चाहते हैं एक्टिव कर सकते हैं, नहीं करना चाहते नहीं भी कर सकते हैं एक्टिव, आपकी मर्जी है। तो देखिए इससे क्या डिफरेंट आता है, आउटपुट चेक करते हैं। तो देखिए इस तरह से मूवी स्लैश सॉन्ग अबाउट इस तरीके से आपका ये आउटपुट आ रहा है, काफ़ी कूल लग रहा है। तो इस तरह से आप इसे अपनी वेबसाइट में जब डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो आप इन दोनों में से इसे, ये पैगिनेशन और ब्रेड क्रम्स दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये हमने इससे पहले कुछ पैगिनेशन और ब्रेड क्रम्स का यूज़ किया था, अब हम लोग क्या करेंगे लिस्ट बनाएंगे, ग्रुप की लिस्ट। तो देखिए कुछ नहीं करना है, यही हमारा लिस्ट सेम रहेगी अनऑर्डर लिस्ट, क्लासेस में हमें चेंज करना है सिर्फ। तो देखिए सबसे पहले हम तो एक क्लास में चेंज करेंगे जहाँ पैगिनेशन लिखा है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इस तरीके से लिस्ट और माइनस ग्रुप। देखिए इससे अलग थोड़ा सा अलग आउटपुट आएगा लिस्ट ग्रुप से। और देखिए एल आई क्लास के अंदर इसे एक्टिव भी कर सकते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं हम लिस्ट माइनस ग्रुप, और फिर लिखेंगे माइनस आइटम्स, आइटम हम ये लिखा, इसे हम कॉपी कर लेते हैं, सारे उसमें यूज़ करेंगे, सारी लिस्ट में सारी क्लास में बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पर इसे इस तरीके से हमने इसे पेस्ट कर लिया, इस तरीके से हमारा ये आउटपुट आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए आउटपुट चेक करते हैं इससे क्या डिफरेंट आउटपुट आता है। तो देखिए इस तरह से हमारी एक लिस्ट जैसी
ये आपकी तैयार होकर आ गई। अब इसमें आप कुछ और भी कर सकते हैं, एक्टिव भी कर सकते हैं इन्हें। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा उन्हें। तो अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इस पेन के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे बैच का, तो देखिए उससे क्या फ़र्क पड़ता है वो भी आपको बताते हैं। इसी में थोड़ा चेंज करेंगे, पहले तो इस थोड़ा इसे इंटरेक्टिव बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं न्यू और यहाँ पर लिखते हैं डिलीटेड, इस तरह से। और इस पेन का भी यूज़ करेंगे इसमें बैच, उसमें क्लास होती है बैच, उसे भी यूज़ करेंगे। तो पहले इसे थोड़ा चेंज कर लें, यहाँ पर डिलीटेड हो, यहाँ लिखते हैं वार्निंग इस तरीके से, और यहाँ पर लिखते हैं विजय, ये हमने लिख दिया चार। अब देखिए इसके अंदर हम लोग स्पैन का यूज़ करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं SPAN स्पैन इस तरीके से। और फिर हम लेंगे क्लास, बताएंगे स्पैन की कौन सी क्लास यूज़ कर रहे हैं। क्लास हम यूज़ कर रहे हैं बैच, तो स्पैन क्लास इज इक्वल टू BADGE बैच। अब देखिए इस पेन को क्लोज़ भी करते हैं, इस पेन को क्लोज़ कर लिया। अब देखिए इस पूरे कोड को हम कॉपी कर लेते हैं, जो हमारा इस पेन का कोड है इसे कॉपी कर लेंगे, बाकी जगह भी यूज़ करेंगे। जो आपका सिंटेक्स लिखा उसके बाद इसे यूज़ कर सकते हैं हम, इस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर इस पेन क्लास बैच। अब देखिए इस पेन के अंदर आप जो भी लिखेंगे, इस पेन टैग के अंदर जैसे मैं लिख रहा हूँ 5, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 10, और यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ 12, और यहाँ पर लिखता हूँ 18, इस तरीके से। तो देखिए आउटपुट में क्या फ़र्क आएगा, आउटपुट में देखिए आपका क्या फ़र्क आता है। सबसे पहले तो हमारा न्यू लिखा है, और इसके बाद देखिए ये जो हमारा 5, और ये इस तरह से आपको सर्कल सा दिखाई दे रहा है, ये आया बैच की वजह से, और ये 10 ये भी आया बैच की वजह से, और ये हमने लिखा है डिलीटेड वार्निंग, ये सब आया आपका किसकी वजह से, ग्रुप के लिस्ट की वजह से। और इसमें आप सक्सेस वार्निंग ये सब भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स आपको उसमें क्या करना है, क्लासेस कुछ क्लासेस और ऐड करनी पड़ेंगी, सक्सेस वाली क्लासेस ऐड करनी पड़ेंगी, वार्निंग वाली इन्फो वाली क्लासेस ऐड करनी पड़ेंगी। तो उसका आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से लिखना पड़ेगा लिस्ट माइनस आइटम इस तरीके से माइनस, और फिर आप लिखते हैं लिस्ट, सॉरी यहाँ पर ग्रुप हम लिखना भूल गए, लिस्ट के बाद लिखते हैं ग्रुप GR, पहले सबसे पहले लगाएंगे माइनस, फिर लिखेंगे GROUP ग्रुप माइनस आइटम माइनस, फिर हम लिखेंगे इस तरह से सक्सेस, और सक्सेस की जगह आप लिख सकते हैं वार्निंग इन्फो डिलीट इस तरीके से। रिफ्रेश करते हैं तो देखिए आपका कलर इसका हमारा इस तरीके से चेंज हो गया सक्सेस का, इस तरीके से आप वार्निंग और वो भी यूज़ करते हैं। तो इसे कॉपी करेंगे, लिस्ट ग्रुप आइटम्स को कॉपी करते हैं और यहाँ पर इस क्लास में से ऐड करेंगे, और सक्सेस की जगह यहाँ पर हम लोग क्या कर यूज़ करेंगे इन्फो इस तरीके से। रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए न्यू और डिलीट आपका अलग अलग कलर में आपका आ गया। तो इस तरीके से आप अलग अलग कलर को यूज़ करके अपने लिस्ट ऑफ ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, क्लासेस को ऐड करना है, और स्पैन को ऐड करके आप लोग ने क्या पाया, ये 5, 10, 12, 18 जो हमारा आया, इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम फॉर्म, सिंपल फॉर्म लिखेंगे इस तरीके से, और इस फॉर्म के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक डिव की क्लास बनाएंगे, डिव क्लास इज इक्वल टू यहाँ पर देंगे फॉर्म माइनस ग्रुप इस तरीके से, और देखिए इसे क्लोज करते हैं। और फिर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक लेबल बनाएंगे, LABEL लेबल इस तरीके से, और फिर लिखेंगे फॉर, हम बताएंगे किसके लिए बना रहे हैं, ईमेल के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ईमेल इस तरीके से, और फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ईमेल एड्रेस, ईमेल लिखेंगे या ईमेल एड्रेस लिखेंगे, तो ईमेल जो होगा आपका वहाँ पर आउटपुट में आएगा। तो ईमेल हमारा इस तरह से लिख दिया हमने, लेबल हमने दे दिया है। अब हमने क्या करना पड़ेगा, यूज़र से इनपुट लेने के लिए कुछ टेक्स्ट वाला टाइप बताना पड़ेगा, तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल इस तरीके से, जिसमें यूज़र अपनी वैल्यू डालेगा ईमेल, उसके लिए हम ये लिख रहे हैं। और क्लास क्या होगी, ये क्लास होगी हमारी फॉर्म कंट्रोल में, फॉर्म माइनस कंट्रोल इस तरीके से, और इस आईडी देंगे ताकि जब हम ईमेल की आईडी, ईमेल यूज़र का ईमेल सेव कराए अपने डाटाबेस में, तो इस आईडी से हम उसे एक्सेस कर सकें। तो आईडी देंगे, उसे ईमेल दे दिया हमने आईडी इस तरीके से। अब देखिए इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, पासवर्ड भी बनाएंगे, तो इसे कॉपी करते हैं, बस थोड़ी सा चेंजेस करना पड़ेगा नेम और टाइप में। तो सबसे पहले लेबल फ्रॉम इसे चेंज करना पड़ेगा, इसे हम चेंज करते हैं PWD में, और यहाँ पर भी लेबल इसका चेंज करते हैं, तो यहाँ पर इसे देते हैं पासवर्ड इस तरीके से,
और ईमेल की जगह यहाँ पर हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, हमें पासवर्ड लिखना पड़ेगा। हम पासवर्ड इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमारा जब पासवर्ड डालें तो वो किस टाइप में आए, एस्ट्रिक की फॉर्म में आए। और आईडी भी चेंज करनी पड़ेगी यहाँ पर, यहाँ पर लिखते हैं सॉरी यहाँ पर लिखेंगे PWD पासवर्ड के लिए हम आईडी दे रहे हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक चेकबॉक्स बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर से डिव और क्लास बताएंगे। डिव क्लास इज इक्वल टू, हमें बताना पड़ेगा कि हम चेकबॉक्स बना रहे थे, यहाँ पर लिखेंगे चेक बॉक्स इस तरीके से। डिफ को क्लोज कर दिया। अब देखिए इसमें भी एक लेबल बनाते हैं LAB लेबल, और फिर इसमें एक क्या बनाएंगे हम, एक इनपुट टाइप का चेकबॉक्स बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेकबॉक्स, जिसमें यूज़र चेक करेगा, क्लिक करेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें कुछ लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखना लिख सकते हैं हम रिमेंबर मेंबर मी इस तरीके से मी। अब देखिए ये हमने इसका चेकबॉक्स बना दिया। अब हमें क्या करना है, एक सबमिट बटन बनाना है। सबमिट बटन बनाने के लिए फिर से हम लिखेंगे बटन और इसका टाइप बताएंगे। देखिए टाइप बटन के बटन टाइप हो सकता है, सबमिट बटन भी हो सकता है, तो यहाँ सबमिट बटन बनाएंगे। फिर क्लास बताएंगे इसकी, क्लास इजिकल टू BTN, फिर लिखेंगे BTN। ये हमारी सबसे पहले BTN तो ये होगी बटन के लिए, दूसरी क्लास होगी हमारी डिफॉल्ट बटन के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे डिफॉल्ट इस तरीके से। और फिर इसे नेम देंगे कि इसके अंदर बटन के अंदर क्या प्रिंट होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर लिखते हैं क्लिक मी तो वहाँ पर आएगा क्लिक मी, मैं लिख रहा हूँ सबमिट तो यहाँ पर आएगा सबमिट बटन इस तरीके से। देखते हैं अपना फॉर्म हमारा जनरेट हुआ या नहीं, रिफ्रेश कर रहे हैं इसे, तो इस तरीके से देखिए हमारा एक फॉर्म जनरेट हो गया जिसमें आप अपने ईमेल आईडी डाल सकते हैं, पासवर्ड डाल सकते हैं और रिमेंबर मी करके सबमिट कर सकते हैं बटन में। अब देखिए दूसरे टाइप का फॉर्म बनाते हैं, इनलाइन फॉर्म। देखिए वो किस तरह का होता है, सबसे पहले हम जाएंगे फॉर्म में यहाँ पर और इसमें चेंज करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं क्लास, इसको चेंज करके हम लिखेंगे फॉर्म और यहाँ पर लिखेंगे इनलाइन। इनलाइन फॉर्म यूज़ कर रहे हैं इस तरीके से, और कुछ चेंजेस नहीं करना पड़ा, क्लास को चेंज करना है, फॉर्म क्लास को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए इस तरह से एक लाइन में आपका सारा आपका कोड आपका जनरेट हो गया। तो इस तरीके से आप अलग अलग क्या कहते हैं यूज़ कर सकते हैं फॉर्म के, इनलाइन फॉर्म को। और देखिए और भी टाइप के होते हैं, जैसे कि हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल टाइप के, वो भी चेक करते हैं वो किस तरह का होता है। तो देखिए उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे HORIZON TAL हॉरिजेंटल के लिए, रिफ्रेश करेंगे उसे तो देखिए हॉरिजेंटली आ गया, थोड़ा यहाँ पर से गायब भी हो चुका है तो उसे सेट कर सकते हैं आप। और देखिए और टाइप के भी यूज़ कर सकते हैं आप, देख सकते हैं गूगल में और किस किस टाइप के फॉर्म होते हैं हमारे। तीन टाइप के जो मेन यूज़ किए जाते हैं वो मैंने आपको बता दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।